गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी डिस्कस अबाउट द पॉलीनोमियल्स फॉर आवर क्लास 10। पॉलीनोमियल्स से जो चैप्टर नंबर 2 है आपका, इसको समझने के लिए कुछ से एक आधा रिजल्ट हमारा लास्ट ईयर जो हमने 9th क्लास में पढ़ा था उसको भी हम रिकॉल करेंगे। और आसान है, बिल्कुल लेसन 3-4 एक्सरसाइज दी हुई है, बिल्कुल आसानी से हम इसको समझ सकते हैं। थोड़ा फैक्टर वगैरह करने का या पॉलीनोमियल को पॉलीनोमियल से डिवाइड कैसे करते हैं, कोई यही कुछ चीज़ें हमारी हम यहाँ पर पढ़ना चाहते हैं। और 2 डिग्री का या क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल है तो उसके कोफिशिएंट में और जो आपकी उसकी जीरोज होती हैं उनमें क्या रिलेशन होता है, और आपका कोफिशिएंट आपकी जो थ्योरम है डिवीजन थ्योरम पॉलीनोमियल्स पर भी वो हम अपनी अप्लाई कर सकते हैं, ये भी हमारे को यहाँ पर इसमें बताया गया है, इसमें हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले थोड़ा जो आपका हमें स्टार्ट करेंगे पॉलीनोमियल से। पॉलीनोमियल्स देखिए, पॉलीनोमियल्स मींस पीएक्स। एक्चुअल में आपका इसको अगर हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो थोड़ा इस तरह से आप समझ सकते हो, ए नॉट एक्स पावर एन प्लस ए वन एक्स पावर एन प्लस ए टू एक्स एन माइनस टू प्लस अप टू प्लस ए एन एक्स पावर जीरो। एक्स पावर जीरो मीन वन, ए नहीं कह सकते उसको लास्ट में। ये पॉलीनोमियल हो गया भाई आपका, और इसमें ए नोट ए वन ए टू ये जो आपके कोफिशिएंट हैं दी आर द कांस्टेंट। कांस्टेंट मींस आप ये सुनते हो बार बार, तो ये एक्चुअल में क्या है कि हमारी वैल्यूज को चेंज नहीं करेंगे, आपकी जो भी सर्कमस्टेंसेस इनके सामने है ये एज इट इज बने रहेंगे, इनकी वैल्यूज चेंज नहीं होंगे। कोफिशिएंट जो आपके कांस्टेंट कोफिशिएंट दिए हुए इसमें, और दूसरा हमारा इसमें यहाँ पर वेरिएबल, वेरिएबल जिसके वैल्यूज हमें पता वेरी करती रहती हैं, तो वेरिएबल एक्स हमारा यानी कोई भी वेरिएबल का इस टाइप का कॉम्बिनेशन हमारा पॉलीनोमियल बन जाएगा। क्या सभी टाइप के बन जाएंगे या कुछ हमें स्पेशल टाइप की चीजें ध्यान रखनी होंगी? हाँ, कुछ चीजें हैं जो हम ध्यान रखेंगे, पॉलीनोमियल सभी नहीं बनेंगे, मैं कुछ एग्जांपल भी दूंगा उसके लिए। ये यहाँ से सबसे पहले आपने देखना है जो ये पावर है, ये पावर ये सिर्फ हम कंसिडर करेंगे मोल, मोल मतलब 0, 1, 2, 3 यानी पॉजिटिव नेचुरल और जीरो आपकी यहाँ पर हम काउंट करेंगे। अच्छा, यानी ये पावर अगर आपकी फ्रैक्टेड है नेगेटिव है तो आपका ये कंसिडर हम नहीं करेंगे, यानी पॉलीनोमियल की डेफिनेशन कोई इस टाइप का जो कम्बिनेशन होगा जिसमें इस टाइप की जो पावर्स हैं आपकी वेरिएबल्स की वो फ्रैक्टेड होगी या आपकी नेगेटिव होगी तो हमारा पॉलीनोमियल नहीं होगा। तो इसमें जो पॉलीनोमियल आपका हम यहाँ पर ये हमने स्टैंडर्ड पॉलीनोमियल लिखा है, डिग्री एक सबसे पहले हमने 9th क्लास में पढ़ ली थी, डिग्री डिग्री ऑफ द पॉलीनोमियल, डिग्री ऑफ ए पॉलीनोमियल। इसका मतलब क्या होगा आप समझ लीजिए, डिग्री ऑफ ए पॉलीनोमियल आप सबसे पहले क्या करोगे, जो भी पॉलीनोमियल आपका जैसे कि आपको पता स्मॉल इंक्रीज अल्फाबेट हम सारे के सारे वेरिएबल्स के लिए यूज कर लेते हैं, कोई जो भी आपका वेरिएबल वहां पर कंटेन कर रहा है आपके पॉलीनोमियल में, उसमें आपकी जो हाइएस्ट पावर आपकी आई हुई है, हाइएस्ट पावर आपका लिख दिया 2 डिग्री का भी आपके लिए लिख रहा हूँ एक्स के प्लस 3x प्लस 5 डिग्री 2 क्वाड्रेटिक कहते हैं इसको, क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल या डिग्री 2 भी कह सकते हो आप इसको। एक्चुअल में हम डिग्री 2 पर ही काम करने वाले हैं यहाँ पर, आपकी 10th क्लास में जो आपका काम दिया हुआ है इंपॉर्टेंट जो आपकी जरूरी आपके एग्जाम में पूछा जाता है यहाँ से क्वेश्चन, तो ये आपका हो गया क्वाड्रेटिक। अब क्यूबिक पॉलीनोमियल की अगर हम बात करें, वैसे एग्जाम्पल के लिए लिख रहे हैं स्टैंडर्ड भी मैं आपके लिए लिख लूंगा फिर यहाँ से, तो ये हो गया हमारा 3x पावर 3 प्लस 4x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1 इस टाइप का जो भी आपकी मर्जी है क्यूबिक पॉलीनोमियल आप इसको कह सकते हो। क्यूबिक थोड़े एग्जांपल ले रहे हैं, क्यूबिक पॉलीनोमियल
तो ये आपका डिग्री के ऊपर डिपेंड करता है, बाय बाय क्वाड्रेटिक भी हो जाएगा, फिर उससे आगे हमें नाम रखने हमारे लिए मुश्किल हो जाएंगे, इसलिए हम सीधा आपका डिग्री से 5 अगर मान लें एन की पावर 5 है वहाँ पर हाइएस्ट पावर, तो आपका डिग्री 5 हो जाएगा सीधा। ये क्वाड्रेटिक है, ये लीनियर पॉलीनोमियल डिग्री 1 होता है, ये डिग्री लीनियर पॉलीनोमियल। फिर अच्छा एक मैं आपको और 0 डिग्री, अब ये तो लीनियर पॉलीनोमियल डिग्री 1 है, ये आपका 2 भी हो गया, 3, अब आपका हो गया 0 कहाँ जी, तो 0 के लिए जा सकते हैं, ये लिख दिया हमने 0 डिग्री, ये क्या होगा भाई 0 डिग्री, पॉलीनोमियल ऑफ डिग्री 0। अब डिग्री 0 क्यों करें हम, इसकी आप कहोगे जी वेरिएबल है ही नहीं, अगर कोई भी वेरिएबल नहीं है तो वेरिएबल की पावर कहाँ से हम काउंट करेंगे जो कि डिग्री होती है हमारे पॉलीनोमियल की, तो इसको थोड़ा इस तरह से सोच लो, देखो त्रिकोण में इसे भी लिख सकता हूँ 3 × x^0, 3 × x^0, सिंपली आप समझ रहे हो गया, नाउ डिग्री इज इक्वल टू 0, x पावर 0 मींस 1, जैसा कि हमें पता है लोअर क्लास में हम इस बारे में पढ़ चुके हैं। तो ये हमारा एक्चुअल में डिग्री के बारे में भी हमने थोड़ा वहां पर कंसिडर कर लिया था। फिर हमारी आई थी जीरोज, जीरोज के बारे में भी थोड़ा हमने बात की थी वहां पर, जीरोज जैसे थोड़ी निकाली नहीं थी, मैं सिंपली एक दो आपको निकाल के भी बता रहा हूँ, जैसे पहले वाला है x प्लस 2, मैं थोड़ा इसको सिंपल वे से पहले एक बार आपको बताता हूँ, उसके बाद मैं थोड़ा मोर इसको डिग्री भी समझ लेंगे। x प्लस 2 ये मतलब जीरो निकालने का मतलब है इक्वल टू द जीरो डालोगे यहाँ पे एंड x इज इक्वल टू माइनस 2, x इज इक्वल टू माइनस 2, तो हमारा ये जीरो जैसे हम आपकी इस टाइप की लीनियर हमें पता है कि जीरो होने वाली है। जीरो होने का मतलब क्या है, अगर आप इसको x की जगह पुट करोगे, मतलब एक बार देख लीजिए, जैसे हमें आपका नाइन्थ क्लास में भी पढ़ते थे, मान लीजिए हमारा कोई पी एक्स ये दे रखे हैं एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1, इसका पी मान लीजिए 1 निकालना है, देन 1 प्लस 5x प्लस 1 यानी इक्वल टू, वैसे हम वैल्यूज निकालते थे इस टाइप के, वहाँ पर आपकी माइनस 1 2 0 कुछ भी वैल्यू पुट कर लेते थे, तो अभी जीरो थे और इस टाइप की वैल्यूज में क्या अंतर है, क्या ये 1 इसकी 0 है, नहीं है 1 इसकी 0 नहीं है, तो जीरो मैंने इसमें डिफरेंस अगर आप इसको थोड़ा करना चाहते हो समझना चाहते हो तो उसके लिए क्या समझना है आपने, जीरोज का मतलब क्या है, देखो कोई हमारा मान लीजिए एक्स इज इक्वल टू के ले लिया, जैसे यहाँ पर एक्स इज इक्वल टू 1 लिया था, के कोई भी आपका नंबर ले लिया एनी नंबर है, और तब पी के अगर इक्वल टू द जीरो है देन पी के इक्वल टू द जीरो, देन पी के इक्वल टू द जीरो, तब k इज द जीरो ऑफ द गिवन पॉलीनोमियल, k इज द जीरो ऑफ द गिवन पॉलीनोमियल। लीनियर से थोड़ा अच्छे से समझ लोगे, देखो इसको सारे को साफ करो पहले, और ये होगा हमारा पी एक्स, ये क्या हो गया पी एक्स पॉलीनोमियल है आपका डिग्री 1, थोड़ा मैंने डिग्री आपका इसका जीरो भी निकाल के बता था। अब k जो है आपका, k कोई नंबर आपने लेना है, मैंने लिया है लेट एक्स इज इक्वल टू माइनस 2, अभी मुझे पता चल गया था इसीलिए। अच्छा जब मैं अब पी की जगह के पुट करूंगा, जो के यहाँ पर क्या आपका माइनस 2, आप डाल दीजिए पी के इट इज माइनस 2 रख दीजिए सीधा, माइनस 2 प्लस 2 इक्वल टू द जीरो, देन इट इज द के एंड इट इज द जीरो ऑफ द पॉलीनोमियल, इट इज द जीरो ऑफ द पॉलीनोमियल। तो पॉलीनोमियल पर जो आपके यहाँ पर ऑपरेशन या थोड़ी चीज़ें जो हम यहाँ पर समझेंगे, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, आराम से भी कौन समझ सकते हैं। डिग्री आप क्लियर कर लीजिए बिल्कुल एक बार से अच्छे से, उसके बाद जीरोज आपको समझनी है। एक और आपका कॉम्बिनेशन आप जो यहाँ पर ध्यान रखोगे, आपका पॉलीनोमियल जितने डिग्री का होगा उतनी ही उसकी जीरोज होगी। जैसे यहाँ पर ये डिग्री 1 था, तो ये आपका माइनस 2 ये की वैल्यू है जो आपको यहाँ पर पुट करने के बाद इसकी वैल्यू आपकी 0 के इक्वल जा सकती है, आपकी दूसरी कोई भी वैल्यू ऐसी एग्जिस्ट नहीं कर रही है क्योंकि लीनियर है, 0 एक ही होगी इसी, तो हमारा इस तरह आपने ध्यान रखना है। और जैसे आपका ये क्वाड्रेटिक था तो डिग्री टू तो इम्प्लाइज है 0 = 2 है, डिग्री 0 क्यूबिक 0 = 3, 0 = 0, 0 = 0, 0 = 0, 0 = 0, क्यों आपका 3 है इसकी बताओ क्या 0 होगी, हुई नहीं कुछ भी, x ऐसा कोई एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता, तो हमारा जो x की 0 ले रहे हैं इसके साथ है ही नहीं, x इसके साथ क्या है मतलब ये है। तो
तो अब डिग्री को आपकी जो पॉलीनोमियल की डिग्री है और जो आपके पॉलीनोमियल की जीरोज हैं उनको आपने यहाँ पर समझ लेना है किस तरह से ये दोनों आपकी इकट्ठा काम कर रही है। यानी अब एक एग्जांपल में थोड़ा और आपको क्लियर करने के लिए आपका लिख रहा हूँ। देखे अभी पॉलीनोमियल में भी आपके कंफ्यूजन रहेंगे। देखो एक लिख दिया हमने 2x + 5, इसको आप क्या समझोगे ये पॉलीनोमियल है? It is not a polynomial. क्यों? Polynomial की definition को नहीं है. Follow कर रहा हूँ. It is not whole. It is it? Not whole. मैंने आपको बताया था whole होगी जब. और भी एक आधा example मैं आपके लिए थोड़ा लिख रहा हूँ. √x + 5. It is not a polynomial. It is not a polynomial. कारण दोबारा फिर आपको सीधे साफ दिखाई दे रहा है. यहाँ पर ये square root का मतलब हो गया power half. यहाँ से क्योंकि बटन तो चाहते थे पावर हो तब यहाँ किसी भी आपके इस टाइप के कॉम्बिनेशंस को इस टाइप के एक्सप्रेशन को इस टाइप के फॉर्म को हमें आपका पॉलीनोमियल कह सकते हैं। तो इट इज नॉट ए पॉलीनोमियल। तो अभी पॉलीनोमियल के लिए जो हमारा थोड़ा हमें डिग्री और जीरोज के बारे में पहले से भी थोड़ा उसके बारे में पता था, अब जो हमारा काम होगा यहाँ पर हम क्वाड्रेटिक जो आपके पॉलीनोमियल हैं डिग्री टू जो पॉलीनोमियल हैं उन्हीं के जो आपके जीरोज हैं और कोफिशिएंट हैं उनमें एक रिलेशन हम यहाँ पर बनाएंगे। और उसके पहले थोड़ा हमारी जो ये जीरोज हैं क्या इनको ज्योमेट्री के लिए भी हमारा हमें कुछ समझ सकते हैं ज्योमेट्री के लिए क्या ये टाइप की कोई यहाँ से एग्जिस्टेंस होती है तो उसके बारे में पहले मैं थोड़ा आपको बता देता हूँ। ज्योमेट्रिकल एग्जिस्टेंस पहली एक्सरसाइज में वही आपको दिया हुआ है, बिल्कुल सिंपल चीज़ें हैं आपके लिए, वहाँ पर मुश्किल नहीं है कुछ भी। अब यहाँ पे इसके एग्जाम्पल से और इसमें जो एक्सरसाइज दी हुई है उससे इस चीज को समझ मिले हो आसान है बिल्कुल। तो ज्योमेट्रिकल अगर आपका यहाँ पर लेना चाहते हैं तो उसके लिए मैं एक छोटा एग्जांपल आपके लिए यहाँ पर लिख रहा हूँ। ये है वार 2x + 3 लिख लिया मैंने, पी एक्स वाई भी कह सकते हो इसको 2x + 3। जैसा कि हमने 9th क्लास में पढ़ा था ये जो आपकी फॉर्म है ये इसके साथ है, जब हम इसको इस साइड लेंगे इस साइड आपका अगर हम कैलकुलेट करेंगे ये आपकी जो ये फॉर्म है इसकी ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन से हमें चेक करनी है। यानी ये वाली जो लाइन है हमें ये स्ट्रेट लाइन जैसे हमें देने वाली है। यानी अगर हम x को 0 पुट कर देते हैं देन y इज इक्वल टू 3, y को अगर हम 0 पुट कर देते हैं देन कितना रहेगा हमारा यहाँ से y इज इक्वल टू 0 देन ये 3 साइड और x इज इक्वल टू रहेगा -3/2। अगर इस थोड़े सिस्टम को मैं एक बार आपके प्लेन में अगर हम थोड़ा रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, देखो यहाँ आपका -1 और यहाँ आपका -2 ओरिजिन होता है परपेंडिकुलर होते हैं सभी। अच्छा 3 तक चलेगा 1 2 3 3 2 1 ओरिजिन। अब देखो आप इस लाइन की रिप्रेजेंटेशन हम चेक कर रहे हैं x = 0 then y = -3/2। यानी यहाँ होगा तो नहीं -1.5 हो जाएगा -1.5 तो यहाँ मान लीजिए कहीं होगा ये। अब ज्योमेट्री के लिए हम जीरोज का पता कह रहे थे भैया, तो जीरोज का पता चल सकता है हमें किसी भी ये तो लीनियर पॉलीनोमियल पर लिया हमें सबसे पहले केस जिसका कि हमें पता है आपको एक ही जीरो होता है तो उसका हमने इसको थोड़ा ज्योमेट्रिकली भी यहाँ पर अरेंज कर लिया है। तो उसके आधार पर हम क्या जीरो का हमें पता चल जाएगा वो चीज़ हम देखना चाहते थे। हाँ यस हमें पता चल सकता है कैसे, अब आप देखो ये वाला जो पॉइंट है ये वाला पॉइंट आपको पता है -3/2। यानी ज्योमेट्रिकली अगर हमारी लाइन है स्ट्रेट लाइन है जैसे ये आपका रो जैसे आपका सर्कल होता है अभी जैसे आप हायर क्लासेस में उसके बारे में पढ़ोगे सर्कल है वो आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के द्वारा जैसे लीनियर इक्वेशन के द्वारा आपकी स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट होती है तो क्वाड्रेटिक के द्वारा आपकी कर्व यानी सर्कल इलिप्स वगैरह है आपकी पैराबोला है हाइपरबोला है उनके बारे में कर्व होती हैं जो कि आपकी ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन है। तो अब ही यहाँ पर जीरो के बारे में हम बात कर रहे थे भाई इसकी जीरो तो आपका जो एक्स एक्सिस है ना इट इज योर एक्स एक्सिस
और ये हमारा है वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। अब हमने देखा कि हमारे जो एक्स एक्सिस है ये आपकी इस लाइन के द्वारा कौन से पॉइंट पर काटी जा रही है, माइनस थ्री बाई टू पर, ये जीरो होगी इसकी, ये जीरो होगी। आप पुट करके भी देख सकते हो इसको, टू इंटू में माइनस थ्री बाई टू प्लस थ्री, थ्री इज इक्वल टू जीरो। जीरो की डेफिनेशन से हमें पता है पी के इज इक्वल टू जीरो, वेन एक्स इज इक्वल टू के, देन के इज द जीरो ऑफ द पॉलीनोमियल, देन के इज द जीरो ऑफ द पॉलीनोमियल। यहाँ से क्लियर दिखाई दे रहा है इक्वल टू द जीरो। तो हमारा आप ज्योमेट्रिकली आपकी इस टाइप की आपके एग्जाम में कर्व दी जा सकती है, कर्व भी दी जा सकती है। जैसे अभी मैं थोड़ा वैसे एग्जाम्पल नहीं लिख रहा हूँ, मान लीजिए ये कोई कर्व है, ये इस टाइप की कर्व है, पैराबोला होती है वैसे। अच्छा ये कर्व है आपके एक्स एक्सिस को दो टाइम काट रही है, जीरो तो हो गया, दो जीरो हो गया। अच्छा अभी और थोड़ा एक छोटा एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ये देखो आप एक ही टाइम इंटरसेप्ट कर लीजिए, कट कर लीजिए, जो भी आप इसको कहना चाहते हो, यस इट इज इट है 1 0। अच्छा अभी सिंपली एक मैं ये ड्रॉ करना चाहता हूँ आपके लिए, एक ही लाइन ड्रॉ कर देंगे कुछ भी, एक्स इज इक्वल टू टू के लिए, एक्स इज इक्वल टू फाइव के लिए, कोई भी लाइन होगी आपके लिए, ये वाली लाइन। अब हमें पता है कट कर रही है 1 टाइम, श्योर इट है 1 0। तो अब इन्होंने आपके एग्जाम्पल के लिए मैं आपके वो यहाँ पर बता रहा हूँ, आसान है बिल्कुल, पहले एक्सरसाइज में हमारे लिए कुछ भी नहीं है, थोड़ा बस पॉलीनोमियल को ही हमें रिकॉल करना है, एनालाइज करना है। और अब जैसे मैंने थोड़ा आपको बताया ज्योमेट्री के लिए आपकी जो कर्व या लाइन है जितने टाइम आपकी एक्स एक्सिस को कट ऑफ करेगी पॉलीनोमियल आपकी जो फॉर्म में आपका दिया हुआ है उतने ही जीरोज रखेगा। एक हमें पता है डिग्री के ऊपर आपका डिपेंड करता है जीरोज भाई कितनी जितने डिग्री होते हैं, अब 1 टाइम है, 2 टाइम है और यहाँ पर 3 टाइम, तो 3 जीरोज हो जाएंगे, यहाँ पर 3 जीरोज हो जाएंगे। अभी आपको जीरोज के बारे में जो ये हमें ये फॉर्म कंसिडर इसके बारे में कुछ पता चला है, काफ़ी इसमें आपके इस टाइप के एग्जाम्पल वगैरह भी दिए हुए हैं जिसमें पैराबोला भी दी हुई है, लाइन्स भी दी हुई हैं, कुछ एग्जाम्पल्स भी दिए हुए हैं, और उसके बाद फिर आपकी एक्सरसाइज से पहले कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं। मैं इन एग्जाम्पल्स को भी कुछ आपके एग्जाम्पल्स भी आपके लिए बना देता हूँ एक बार, बिल्कुल आसानी से आपको समझ आ जाएगा। सेकेंड एक्सरसाइज जो इसकी दी हुई है वहाँ से थोड़ा यहाँ से भी ये है हमारा एक नंबर के लिए इस टाइप का आपका फिगर कोई आपके एग्जाम में डाल के और आपसे इसकी नंबर ऑफ जीरोज आपकी करो एक्स एक्सिस को कितने टाइम कट कर रही है उसके आधार पर आपसे पूछा जा सकता है। तो एक बना लेते हैं फिर उसमें हम ड्रॉ करते रहेंगे, एक्स एक्सिस हो जाएगा हमारा और ये हमारा वाई एक्सिस, पर्पेंडिकुलर होते हैं, ओरिजिन होता है यहाँ पर इनका। अच्छा पहले वाले करो इन्होंने इस तरह की दी हुई है ये आपकी, तो इस करो क्या फर्स्ट पार्ट है एग्जाम्पल में दिया हुआ है यहाँ पर, और इसके आधार पर आप देखोगे एक्स एक्सिस को देन इट है 1 0। जो सेकेंड करो दी हुई है वो आपकी दी हुई है इस तरह ये, अब इस कर्व को देखो ये वाली कर्व है, ये फर्स्ट कर्व थी, ये सेकंड कर्व है, सेकंड कर्व देन वे विल 2 पॉइंट शो इट है 2 0। थर्ड वाले जो कर्व है वो हमारी गई हुई है अब जैसे मैंने आपको बता दिया था इट इज द थर्ड कर्व, और बना लेंगे उसमें चेक हो जाएंगे 1 टाइम 2 टाइम एंड 3 टाइम, 3 हो गया इसके लिए। आगे एक और मार्क के लिए बना के बताया मैं, और प्लेन हम बना लेते हैं, देन ये लाइन हमें दी हुई है इस लाइन का मतलब देन वे विल 1 0 बिकॉज इट कट्स 1। अच्छा उसके बाद एक वही चेक करने के लिए आपको अभी जैसे मैं आपको बताया गया था ये आपका इस टाइप का 1 टाइम और एक बजे अगर लाइन को इस टाइप की लाइन को थोड़ा और आगे कर दिया जा रहा है 1 2 3 अब देखो 1 2 3 एंड 4 एग्जाम्पल्स में दिए गए थे ये 3-4 पार्ट्स आपके जीरो जो है समझ लेनी थी आपकी पी एक्स कोई भी आपका पॉलीनोमियल है उसके लिए उसकी डिग्री पर डिपेंड करती है जीरो जैसे कि आपको पता है। तो ये कुछ आपके जीरोज के लिए हमने जो आपकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आपकी कर्व के लिए दी हुई थी उसके आधार पर हमने फाइंड आउट किए एग्जाम्पल्स थे कुछ। अब इसके आपके जो आपके एक्सरसाइज में पॉइंट्स दिए हुए हैं इस टाइप के उनके बारे में भी एक आध के बारे में हम डिस्कस कर लेंगे, क्लियर हो जाएगा आप लिख लोगे पेंसिल के साथ ड्रॉ कर लोगे इनको। तो ये एक्सरसाइज में आपका दिया हुआ है पांच ये ड्रॉ कर लेंगे प्लेन
और देखो इट इज एक्स एक्सिस, ये देखिए पहले वाली लाइन तो नो जीरो, इसमें कोई जीरो नहीं है अभी, ये आपका दे रखा है फॉर्म, ये दे रखा है मैंने नो जीरो, जीरो जीरो दे देंगे। अच्छा आगे वाला जो दिया हुआ है उसमें करो इस टाइप की आपको दे दी गई है, ये सिर्फ वाई एक्सिस के साथ ये दे स्टेप बना दीजिए इसको। अच्छा और वन टाइम अगेन वन वन जीरो हो जाएगी इसकी। अच्छा उसके बाद है ये आपकी निस्टर की फॉर्म दी गई है, ये इस टाइप से दिया होगा, यस वन टू थ्री जीरो दे देंगे नेक्स्ट वीडियो के लिए। नेक्स्ट मकट दिया हुआ अभी जैसे हम ना करते हैं तो हमने लिखा ये इस टाइप का, अगेन टू जीरो दे देंगे टू टाइम्स एक्स एक्सिस को कट कर रहे हैं, और नेक्स्ट जो अभी बनाए थे हमारे एग्जाम्पल तो वही है लगभग सारे के सारे हमारे, इससे ज़्यादा एग्जाम्पल और कहाँ से लेके आएंगे हम, एक दो तीन चार भी कर जाएंगे। और कट टच, कट और टच दिए भी हैं ये, तो एक टाइम यहाँ से और एक टाइम यहाँ से, टू टाइम से कट कर रही है टच कर रही है जो भी है आपका, उसके आधार पर हम कहेंगे यस यहाँ से भी निकला था ये और निकल रहा है एक दो और ये भी थ्री जीरो। तो ये था जीरो का जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से के बारे में हम बात कर रहे थे, सिंपल है पॉलीनोमियल्स में। अब क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल से जो आपकी एक्सरसाइज है दो का हमारा कॉन्सेप्ट है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे अपना नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा उसमें। आसान है इस बात पे एग्जाम्पल के थ्रू भी पॉलीनोमियल के डेफिनेशंस भी रिकॉल कर लेनी है जो आपने लास्ट ईयर हमने पढ़ ली थी, और यहाँ तक का काम आपने चेक कर लेना है। थैंक यू फॉर वाचिंग।